झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये सर रूपा जी, बात करें अगर अब एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल्स में देख रहे हैं लगातार तेजी ही है। होली पैक के भी त्यौहार पर हमने देखा था कि खाद्य तेलों में बेतहाशा तेजी रही थी। 10-10, 15-15 रुपए तक खाद्य तेलों के दाम बढ़ चुके हैं रशिया यूक्रेन संकट के चलते। अब रमज़ान आ जाएगा, आगे फिर नवरात्रे हैं जिनमें तेल की जो खपत है ज़्यादा होती है, और शादी ब्याह का सीज़न हम पहले से ही देख रहे हैं चल रहा है। तो ऐसे में क्या खाद्य तेलों में अभी बढ़त ही बनी रहने की उम्मीद है? मुझे एक्सपेक्टेड तो है कि अभी प्राइजेस जो है वो ऊपर जा सकते हैं। अभी कुछ एक दो दिन पहले हमने थोड़ा सा डिप आते हुए जरूर देखा था प्राइजेस के अंदर, लेकिन एक बार फिर से सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे जिस तरीके की अभी थोड़ा सा फेस्टिव का सीजन का माहौल है, उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि डिमांड पिकअप रह सकती है और एक कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। ओवरऑल भी देखा जाए तो फंडामेंटल भी काफी सपोर्टिव है मार्केट। फिलहाल करेक्शन की तो गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन तेजी बन सकती है। स्लोली हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअली मार्केट इंक्रीज हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा अगर अपसाइड नहीं आया तो गिरने के भी चांसेस काफी कम है। जी रूपा जी, खाद्य तेलों में सीपीओ और रिफाइंड सोया तेल में आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए रिफाइंड सोया ऑयल में भी तेजी बन सकती है यहाँ से, और सीपीओ के अंदर भी प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।